जिंदा को मेरे बैठे मार रहे हो जबरदस्ती है। जो अभी जिंदा है ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ करके उनको बैठे बैठाए मार रहे हैं। छोटी मम्मी जिंदा है या शरीर छोड़ गई? जिंदा है। नहीं, जो ओम राधे छोटी मम्मी है वो शरीर छोड़ गई। वो भक्ति मार्ग की छोटी माँ है या ज्ञान मार्ग की छोटी माँ है? भक्ति मार्ग की है। भक्ति मार्ग की बड़ी माँ भी शरीर छोड़ गई, सूक्ष्म शरीर धारण कर गई। छोटी माँ है तो छोटी बड़ी माँ भी है। भक्ति मार्ग में छोटी माँ कौन है? ओम राधे। और बड़ी माँ कौन? ब्रह्मा बाबा। अब ज्ञान मार्ग में बड़ी माँ कौन है और छोटी माँ कौन है? ये शरीर छोड़ने वाले हैं या शरीर रहते रहते प्राप्ति करने वाले हैं? हैं? कैसे हैं? अगर माँ बाप ही शरीर छोड़ जाएंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा? बच्चे माँ बाप को फॉलो करेंगे, किसको करेंगे? हैं? माँ बाप को फॉलो करेंगे। और आप पूछ रहे हैं कि छोटी मम्मी शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर धारण करेगी या नहीं करेगी? मन बुद्धि से आएंगे। मन बुद्धि से आएंगी माने सूक्ष्म शरीर से आएंगी। स्थूल शरीर उनको छोड़ना पड़ेगा, तो उनको छोड़ना पड़ेगा तो हमको पहले छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले बच्चे हैं। अगर हम ही शरीर छोड़ करके चले जाएंगे तो नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? तो ना हम शरीर छोड़ने वाले हैं और ना हमारे माई बाप शरीर छोड़ने वाले हैं। हम तो शरीर रहते रहते ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा प्राप्त करने वाले हैं। और बाबा ओम माता जी को पूछने का मतलब है 2018 में विजय माला का हेड प्रैक्टिकल में आएंगी सूक्ष्म शरीर से तो नहीं आएंगी। इसका मतलब है संशय है कि उनका भी शरीर छूट जाएगा। अगर चंद्रवंशियों में सबका शरीर छूट जाएगा तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों की प्रवृत्ति कैसे बनेगी? चंद्रवंश और सूर्यवंशियों की प्रवृत्ति बनती है और धर्म वाले तो हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले, उनकी तो प्रवृत्ति पक्की होती ही नहीं। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी स्थापन होने वाली है। शरीर छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, चंद्रवंश से प्रभावित जो और धर्म की आत्माएं हैं वो शरीर छोड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो शरीर रहते रहते बाप की पूरी श्रीमत पर नहीं चलेंगी, भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ सकेंगी, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। और बाबा मम्मा पार्टी क्या होता है? मम्मा पार्टी सुनते हैं है? मम्मा पार्टी है कि माता है, मेरा पाठ है, वहां
कुछ माताएं करने समर्पित हैं, भाई लोग कुछ समर्पित हैं। जगदम्बा पात्र पाठ है, यहाँ जगदम्बा का पाठ चल रहा है। एक जगह कहाँ चल रहा है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में? हाँ। मम्मा को लगाया हुआ छोटी मम्मी है ना? छोटी मम्मी है, छोटी मम्मी चित्र लगाए हुए हैं, छोटी मम्मी लिखी हुई है। अरे दुनिया में जाने कितनों कितनों को जगदम्बा छोटी मम्मी मान लेते। वो माता जी ने अपने को कहते हैं माता जी है अपने जगदम्बा सब जी, मैं जगदम्बा का पाठ चल रहा है हमारे। प्रूफ है कि मुरली पढ़ते हैं हम, मुरली पढ़ते हैं कोई प्रवेशताओं में होता है ना? मुरली पढ़ते हैं प्रवेशता, भूत प्रेत की प्रवेशता हो तो कोई भूत प्रेत आत्माएं भी तो ऐसी होती हैं जो कहती है मैं फलानी देवी हूँ, मैं फलाना देवता हूँ, मैं काली माई हूँ। ज्ञान की बात करते हैं, मुरली की बात करते हैं। क्या ज्ञान की बात? पहले तो यही ज्ञान की बात पूछो कि आप जगदम्बा की आत्मा है तो इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ बताओगे तभी तो हम मानेंगे, ऐसे कहने से हम मानने वाले नहीं है। सुनी सुनाई बातों को जो मान लेते हैं उससे भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। हम दुर्गति में पाने वाले नहीं है तुम्हारी बातें सुन करके। हम एक से सुनते हैं, अनेकों से नहीं सुनते। और तुम एक की बात सुनाओ हमें, वेरीफाई करके दिखाओ तो हम तुम्हारी भी बात माने। तो प्रूफ दो कि तुम जगदम्बा की आत्मा हो। तुम्हारा जगत पिता कौन है? अरे जगदम्बा है कि विधवा होगी? क्या विधवा होगी कि सदवा होगी? हैं? विधवाओं की पूजा होती है भारत में, तो सदवा होगी ना। तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पति कौन है? बाबा लोकित में उनको पूजा भी होता है, फूलमा लोग चढ़ाते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में भी होता है। बीके वाले वहाँ जा रहे हैं तो उसमें बीके वाले तो सब धर्म वालों में जा रहे हैं, सब धर्म वालों को जाके निमंत्रण देते हैं, आओ कॉन्फ्रेंस करो, शांति सम्मेलन करो। उनका तो धंधा है दुनिया को फॉलो करना, और हमारा धंधा है एक को फॉलो करना। हम एक की बात सुनते हैं, वो अनेकों की बातें सुनते हैं। हाँ चक्री में आ गए क्या? नहीं बच गए ये सत्यनारायण की उसमें जो मान्यता है वो सत्य गीता के कारण सत्यनारायण का सत्यनारायण का मान्यता है या सत्यनारायण के कारण सत्यगीता के सत्यगीता करके मान्यता है? जो सत्यनारायण की कथा है वो झूठी कथा है या सच्ची कथा है? सच्ची। बताओ सच्ची। सत्यनारायण की कथा जो सुनाते हैं झूठी है? कलावती लीलावती की कथा या सच्ची कथा है? अरे कैसी कथा है? दुनिया में बोलते जोर से क्यों नहीं बोलते? झूठी कथा है। तो झूठी कथा का आधार क्या है? झूठी गीता या सच्ची गीता? झूठी गीता। झूठी सत्यनारायण की कथा सुनावेगी, और सच्ची गीता सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनावेगी। सच्ची गीता आने के बाद सत्यनारायण सत्यनारायण सच्ची गीता से ही सच्चा सत्यनारायण की कथा शुरू होगी। सत्यनारायण की सच्ची कथा शुरू होगी तो सत्यनारायण ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। सच्ची गीता आने के बाद सत्यनारायण सत्यनारायण प्रत्यक्ष होंगे क्या? सच्ची गीता तो 76 से ही आई हुई है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठी तो क्या किया जाए? मुरली में ही बाबा ने अनाउंसमेंट कर दिया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो कौन सा सन आया? 76 आया। 76 से ही लक्ष्मी का जन्म हो गया। अब बुद्धि में नहीं बैठा तो बुद्धि राम जी समझ में नहीं आया। सत्यनारायण की प्रत्यक्षता होती है ना? सत्यनारायण की प्रत्यक्षता 76 से हुई ना? सारे विश्व में? तुम्हारे विश्व में पहले होगी, ब्राह्मणों के विश्व में कि सारे विश्व में पहले होगी? हमारे विश्व में तो तुम्हारे विश्व में सारे विश्व की आत्माएं मौजूद है ना बीच में है? तो बस तुम्हारे विश्व में पहले प्रत्यक्षता होगी।
बाकी बाद में सारे विश्व में भी होगी। और बाबा है मुली पढ़ने की सेटलिंग लग रहा है, है? झाड़ कब जल भूत होता है लेकिन सुखता कभी नहीं है, है? झाड़ कभी सुखता नहीं है, हाँ? सैपलिंग लगता है, कलम में कलम लगती है आदि। बाबा इसका मतलब हाँ बुद्धि कैसे लगता है, बड़ा बुद्धि नहीं लगता है। लो सैंपलिंग लगी तुम्हें पता ही नहीं चला, बीके से पीबीके की सैंपलिंग लगी तुम्हें पता चला कि नहीं? जी। तुम्हारी सैंपलिंग लग गई कि नहीं? तुम्हारा क्लास ट्रांसफर हुआ कि नहीं? तो बस ऐसे ही ये सब की सैंपलिंग अलग अलग लगती जाएगी, लगती जा रही है। हर एक सितारे में अपनी अपनी दुनिया स्थापन होती जा रही है। ये 9 लाख सितारों में से ढेर के ढेर सितारे बैठे हुए, उनकी सैंपलिंग लग रही है। महाभारत के बीच में जो कृष्ण ने बताया था कि ये जीत तुम्हारी जब होगी, वो भीष्म पितामह को ये बताया, भीष्म पितामह ने जो अर्जुन को बोला था विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, भीष्म पितामह ने अर्जुन को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था ना, हाँ? तो भीष्म पितामह होते हुए उनका विजय जो है वो सुनिश्चित नहीं है, इसीलिए कृष्ण ने बोला था उनका आशीर्वाद लौटाने के लिए चले जाओ, जो आशीर्वाद दिया था ना भीष्म पितामह ने विजयश्री का, तो उसको लौटाने के लिए भीष्म पितामह के पास चले जाओ ऐसा बोला था। तो वो लोग गए थे तो वहां पर उन्होंने कहा था मैं ये आशीर्वाद लौटा नहीं सकता, इसीलिए मैं तुमको ये जो रास्ता बताता हूँ, विधि बताता हूँ। क्या रास्ता बताता हूँ? रास्ता ये बताता हूँ, वो शिखंडी को सामने लाने का रास्ता बताया था, हाँ? तो इसमें उन्होंने बोला था मैं कौरवों के पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं पांडवों के पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं हस्तिनापुर के पक्ष में हूँ बोला था ना, हाँ? तो उनका हस्तिनापुर के पक्ष में जो कहा उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक है आत्माभिमानी बाप के बच्चे आत्मा, उनकी संख्या कितनी है? 9 लाख। आत्माभिमानी बाप के बच्चे जो आत्मा बन करके रहते हैं, देहाभिमानी सांड है हाथी नहीं बनते, उनकी संख्या कितनी है? 9 लाख। और बाकी सब कितने हैं? 500 करोड़ 9 लाख में से 9 लाख निकाल दो, बाकी 500 करोड़ सारे हाथियों के पुरके हैं, हस्तिनापुर वासी है। उनका पुर कौन सा है? हाथियों का पुर है, देह अभिमानी हाथी है। दो बात क्लियर हो गई। जो भीष्म पितामह है, भीष्म माने भयंकर और पितामह माने कौरवों का पक्ष लेने वाले, कौरवों के पक्ष में रहने वाली आत्माओं के बीच में जो विशेष भयंकर को पार्ट बजाने वाला है, वो कौन सा पार्टधारी था? कौन सा था? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने ये कहा कि मैं हस्तिनापुर के पक्ष में हूं, मैंने हाथियों के पुर के पक्ष में हूं, हस्तिनापुर बचा रहे, माने स्वर्ग में जो आत्माएं हाथियों के पुर से निकल करके कन्वर्ट होकर के स्वर्ग में पहुंच जाती हैं, भले आत्मा नहीं बन पाती, देहाभिमानी सांडे के सांडे ही बने रहते हैं, मैं उनके पक्ष में हूं, उनके पक्ष में नहीं हूं जो सिर्फ हस्तिनापुर के ही वासी है, देहाभिमानीपुर के ही वासी है, द्वापर युग से ही आने के जन्म लेते हैं, मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। तो ऐसी विदेशी आत्माएं हैं कि नहीं जो कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण स्वदेवता बन जाते हैं सत्य उद्रेता में, हैं? उनके पक्ष में हूं। जब ये युद्ध की समाप्ति हुई ना, तो वो समाप्ति के बाद उन्होंने कहा था कि जो
विरोधन का मतलब गौरव का नाश हुआ, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अभी चारों से हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया, तो इसलिए अपने इच्छा से मैं त्याग काम करके वो अंतिम में उनसे खुशी जाहिर किया। अरे हस्तिनापुर की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो सुरक्षित होकर स्वर्ग में जाने लायक बन गई कि नहीं, कि दुनिया में से नापैद हो जाएंगी? स्वर्ग में जाएंगी या नहीं जाएंगी? अरे जाएंगी। और उनके भी बीज रूप जो है वो रुद्रमाला में बैठे हुए हैं। रुद्रमाला में हस्तिनापुर के बीज बैठे हैं कि नहीं? हाथियों की तरह जिनमें देह अभिमान भरा हुआ है, मकना हाथी है, अपना देह अभिमान जल्दी नहीं छोड़ते जब तक पूरे गड्ढे में न गिराए जाए। हाथी कैसे बस में आता है मालूम है? हैं? नहीं मालूम? हाँ, जोर से बड़ा गड्ढा की खोदा जाता है जंगल में और उसके ऊपर घास फूस डाल देते हैं, हाथियों को बाजे बजा करके उसी गड्ढे की तरफ भगा के ले जाते हैं। एक आधा हाथी उसमें गिर पड़ता है, पड़ा रहने दो, भूखा प्यासा, न रोटी मिलेगी न दाल मिलेगी न पानी मिलेगा, तड़पता रहे, तड़पते 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 बिल्कुल जब शरणागत हो जाता है तब उसको बाहर निकालते। ऐसे देहाभिमानी सांडे ढेर के ढेर हैं जो दूसरे धर्मों से आए हुए हैं, हठयोगी हैं, हठयोग पर आमादा हो जाते हैं, बाप का सामना ही करते रहते हैं अंत तक। उनकी बुद्धि में बात बैठती ही नहीं। तो हस्तिनापुर सुरक्षित होगे? आखिरी तो समझते हैं कि नहीं समझते हैं? रुद्र बाप के बच्चे आखिरी बनते हैं या नहीं बनते हैं? कितना भी मोटा देह अभिमान का छिलका है, हाथियों के चमड़ी मोटी होती है या पतली होती है? मोटी है, चमड़ी होती है। कितना भी मोटा देह अभिमान का छिलका है, उन रुद्रमाला के विदेशी मणकों का छिलका भी उतर जाएगा धर्मराज के डंडों से और वो आत्माभिमानी बन जाएगी। तो दुनिया के बड़े से बड़े देह अभिमानी सांडे कहां हैं जो बाबा बोलते हैं कि बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहां देखो और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहां देखो। तो दुनिया के बीज तो यहां सुरक्षित हैं, उनमें हाथियों के भी बीज हैं, देह अभिमानियों के भी बीज हैं। ऐसे नहीं कि हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हुआ, वो भी सुरक्षित हो जाता है। और बाबा कंबाइंड रूप का अनुभूति कैसे करें? अब एक बार में कंबाइंड रूप का अनुभूति कैसे करें? क्यों? वो हमारा साजन है, हम उसकी सजनी है, वो हमारा शिव बाबा है, हम उसके बच्चे हैं, बाप की गोद के बच्चे हैं, तो कंबाइंड हुए ना। जिस रूप में चाहो कंबाइंड हो, सिर्फ अपन को आत्मा अभिमानी बनाना है। देह अभिमानी रहेंगे तो बाप के युगल नहीं बन सकते। राम है एक, बाकी सब है सीता है, भक्तियां हैं अनेक और ज्ञान सागर है एक। तो सीताएं उनको ये स्टेज धारण करनी पड़े। बाप के सामने शीतल होकर के रहना पड़े। सीता का अर्थ ही होता है शीतल।
बाबा ये बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने का कारण क्या था? जो बलराम है वो भगवान नहीं है। भगवान किसको दिखाया गया है? कृष्ण को। वास्तव में कृष्ण भी भगवान नहीं है। कौन है भगवान? शिव बाबा भगवान। तो नंबर दो का जो आदमी है वो नंबर दो का काम करेगा या नहीं करेगा, और नंबर दो वाले को सहयोग देगा या नहीं देगा? जरूर देगा। तो बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही होता है। और बाबा दोराही मने का मुरली बच गया है जैसे दोराही मने का मुरली सिर्फ बच गया है जैसे क्लेरिफिकेशन देना है सिर्फ बाबा को। उसके बाद ये जो मुरली चल रही है रिवाइज कोर्स की चल रही है, लेकिन रिवाइज कोर्स की जो मुरली चल रही है वो कागज की मुरली रिवाइज हो रही है या मुख की बोली हुई मुरली रिवाइज हो रही है? रिवाइज तो कागज की मुरली रिवाइज हो रही है। अभी मुख की बोली हुई डायरेक्ट जो टैप रिकॉर्डर में टैप हुई उसमें ज्यादा असलियत है या कागज में जो टापी छापी गई है उसमें ज्यादा असलियत है? बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास मुरली है डायरेक्ट मुरली, डायरेक्ट मुख से सुनी हुई, और सेकंड क्लास मुरली है टैप रिकॉर्डर से सुनी हुई, और थर्ड क्लास है कागज में छपी हुई मुरली। तो अभी तो हमने थर्ड क्लास जो कागज में छपी हुई मुरली है उसका क्लेरिफिकेशन सुना। थर्ड क्लास में और सेकंड क्लास में कुछ तो अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा। बाबा अष्टदेव में कितने विदेशी होंगे? अष्टदेव में कितने विदेशी होंगे? अष्टदेव में विदेशी होते हैं? विदेशी आत्मा जो होंगे अष्टदेव में विदेशी होते हैं? अष्टदेव तो जन्म जन्मांतर के 83 जन्म के सहयोगी होते हैं बाप के, वो तो पक्के सूर्यवंशी हैं, उनमें विदेशी कहां से आ गए? हां माया किसी को छोड़ती नहीं है। क्या माया किसी को नहीं छोड़ती? माना जिसमें बाप प्रवेश करता है उसको भी नहीं छोड़ती है। भक्ति मार्ग में गीत गाती है माताएं, माया नगरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी विष्णु को मारी शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। मारा नहीं लेकिन फिर भी दाढ़ी पकड़ के झकझोर के चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा अंत में अनिश्चित निश्चय बुद्धि बन करके रहती है, बाकी अष्टदेवों में से जो सात हैं उनको भी माया मार लेती। मायावी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं अंतिम जन्म में, उनके ऊपर भी थोड़ा ना थोड़ा माया का लेस चढ़ जाता है। तो जो अष्टदेव हैं उनकी पहचान में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उनके चेहरे की फिनिशिंग में थोड़ा अंतर आ जाता है और नंबर तैयार हो जाते हैं। बाकी अष्टदेव दूसरे धर्म के नहीं होते हैं। 84 जन्मों में से एक जन्म थोड़े समय के लिए
माया के चंबे में आ गए तो उनको विदेशी और विदर्भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सुबह का भूला ज्यादा लंबे टाइम नहीं, कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों, कई वर्षों तक भूला हुआ बना रहे नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जावे तो भूला हुआ नहीं कहा जाता, इसलिए वो असल सूर्यवंशी हैं। उन आठ के आधार पर ही जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है वो पक्का हो जाता है। बार बार एक पहली इकाई तैयार होती है जो नई दुनिया की स्थापना में पहले पहले प्रसिद्ध होती है, फिर धीरे धीरे उनमें 108 जो बारह बारह के दूसरे ग्रुप हैं वो ऐड होते जाते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा, जिनकी एक ही भाषा होगी, दो भाषाएं नहीं होंगी, एक कुछ बोले दूसरा कुछ बोले, 108 एक सुर से ही एक ही बात बोलेंगे, एक ही बात साबित करेंगे, एक का ही ज्ञान कान से सुनेंगे, एक ही बातें दूसरों को सुनावेंगे, एक ही उनकी दृष्टि में बसा हुआ होगा, दूसरा कोई बसा हुआ नहीं होगा, एक ही कुल के होंगे, एक ही राज्य के होंगे, एक ही राजाई को मानने वाले होंगे, कायदे कानून को मानने वाले होंगे। इसलिए उनको कहा जाता है अद्वैत। अद्वैत माने देवता, जो दूसरे को नहीं मानते, आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। अभी तो ऐसे ढेर हैं जो आपस में एक दूसरे की बातें मानेंगे और बाकी बात खंडन करेंगे। क्यों नहीं आ सकते? अधर कुमार अधर कुमारी एक बाप के बनेंगे, एक दूसरे के नहीं बनेंगे। हाँ, दिल की बात एक दिलावर से कहेंगे, आपस में रसोई की बात नहीं करेंगे। एक से आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बन के रहेंगे, कोई दूसरे के वफादार नहीं बनेंगे, दूसरे की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करेंगे, दूसरे के फरमान को नहीं मानेंगे, एक बाप के फरमान को मानेंगे, तो क्यों नहीं आवेंगे? एक बाप दूसरा ना कोई। आखिरीन अष्टदेवों का पहला गुण तो पहली परीक्षा का और आखिरी परीक्षा का एक ही प्रश्न होगा ना। आखिरी जो एग्जाम होगा उस आखिरी परीक्षा का प्रश्न क्या होगा? है? अरे बाबा ने प्रश्न आउट कर दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उसमें वो पास होंगे, आपस में एक दूसरे की परवाह नहीं करेंगे, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी बातें, हम जे चले हम बाप की बातें मानेंगे। किसी की परवाह नहीं करेंगे दुनिया में। प्रैक्टिकल में नष्टो मोहा स्मृति लब्ध होंगे, पास होके दिखाएंगे।
शंकराचार्य शिव की भक्ति करते, शंकराचार्य शिव की भक्ति करते हैं और फिर उसको भी पूजा कराते हैं। बाबा इसका शूटिंग कैसे हो जाता है? क्यों यहाँ ऐसे नहीं है? इस यज्ञ में ऐसे नहीं है, बेसिक में और अंश में जो खुद भी पूजा करते हैं एक शिव की और फिर दूसरों को रास्ता बताते हैं, हमारी पूजा करो, हमारी बात मानो, ऊपर बाबा को नहीं बताना। नहीं है ऐसे है? है या नहीं है? है तो वह हो गया उनकी पूजा। बाबा मनुष्य शरीर पांच तत्व तत्व से बना होता है, पांच तत्व से बना होता है, पांच तत्वों से मनुष्य का शरीर बना होता है, वो है जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी। तो ये बाकी चीज तो मालूम है, लेकिन आकाश क्या चीज है? आकाश पोलार को कहा जाता है, पेट के अंदर भी पोलार है, छाती के अंदर भी पोलार है, इस खोपड़े के अंदर भी पोलार है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है पोलार, माने जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो। जो ब्रह्मांड है पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल के भी क्रास में एक ऐसा स्थान है जहां वायुमंडल है ही नहीं, वो है असली आकाश, शुद्ध आकाश, वहां पृथ्वी का कण भी नहीं पहुंचता। और मधुबन का नियम क्या है और जो बाहर रहने वाले गीता पाठशाला में जाने वाले या गीता पाठशाला वाले उनका नियम कैसे चलता है? हम जो बाहर रहने वाले हों मधुबन से, वो मधुबन जाना आना तो होता ही रहता है, तो जाते हैं तो मधुबन के नियम नीति देखते और सुनते तो हैं। तो जैसा मधुबन का नक्शा है वैसा ही नक्शा अपनी गीता पाठशाला का बना के दिखाएं तो गीता पाठशाला भी मधुबन बन जाएगी। ऐसे करते करते जो भी नर हैं जिन्होंने लक्ष्य लिया हुआ है कि हमको नर से नारायण जैसा बनना है, और जो भी नारियां हैं घर घर में रहने वाली उन्होंने लक्ष्य लिया हुआ है हमको नारी से क्या बनना है, लक्ष्मी जैसा बनना है। ये नहीं कहा महाकाली जैसा बनना है या जगदम्बा मन जैसा बनना है, क्या बनना है? नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। तो घर में ही लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे तो मधुबन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? गीता पाठशाला में आने के पूजा नहीं होता, नहीं हो रहा है, घर में पूजा करने से इतना आनंद नहीं आता है, फल नहीं मिलता है, ऐसा होता है। मधुबन में आने गीता पाठशाला में आने तो सुविधा नहीं हो रहा है हमको, घर में पूजा करने से मान्यता नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा होता है। दूसरा बोलता है कि आप अनुभव करते हैं, घर में पढ़ने से क्या होगा? घर में मुरली पढ़ने से, घर में बाबा को याद करने से
घर में अमृत वेला करने से आपको अनुभव क्या होता है, दूसरों को जो होता है तो होने दो। बोलता वो बोलता है कांकर मुद्रा से उधर माता आने में सुविधा नहीं मिलता है, सुविधा नहीं हो रहा है। वो तो ठीक है, वहाँ गीता पाठ शाला में अपने आपके आपके घर में पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है, ऐसा बोल रहा है। गीता पाठशाला में आने से कुछ नहीं मिलता है, गीता पाठशाला में आने की सुविधा नहीं हो रहा है, उधर माता घर में पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है, ऐसा बोलता है। कौन बोलता है? सब लोग सब की बात क्यों मानते हैं आप, एक की बात मानो, आप सब की बात क्यों मानते हैं, आप एक की बात मानो ना। एक ने तो बोला है जिसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है और घर रेस्ट में रहने वाला है, अब उसको दूसरा कोई बोलता है घर में रह करके तुम याद करोगे, मुरली सुनोगे तो तुमको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा बाबा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। या तो बाबा ऐसा प्रबंध करे कि जितने भी बीमार हैं, बेड रेस्ट रहने वाले हैं, उनको बाबा के घर में जगह मिले, जितने भी बूढ़े हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके लिए बाबा वृद्धाश्रम खोले, उनका प्रबंध करे। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक बाबा तो नहीं बोल सकते कि तुम अपने घर रेस्ट में रह करके पुरुषार्थ न करो। बाकी दुनिया बोलती है, दुनिया की बातें क्यों सुनते हैं? बाबा दसाई क्यों है? दसाई क्यों मानते? दसाई क्यों मानते? दशहरा बाबा बोल रहा है क्यों मनाते हैं? दशहरा क्यों मनाते हैं? रावण के 10 सिर है ना, 5 माया के सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 प्रकृति के सिर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 10 मिलकर के रावण के 10 सिर माने जाते हैं। रावण के 10 सिर हैं जो हमको दुख देते हैं, तो उन 10ों को हरा देना। कभी हमने शिव बाबा का राजयोग सीख करके इन 10 रावण के सिरों को हरण किया है या नहीं किया है? इनको हराया या नहीं हराया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश प्रकृति के 5 तत्वों को जीता या नहीं जीता? माया के 5 विकारों पर जीत पाई है या नहीं पाई है? कभी नहीं पाई? पाई है। तो उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में ये मनाते हैं दशहरा, 10 सिरों को हरण करने की यादगार है दशहरा। जब 10 सिरों को जीत लेंगे तो दीपावली मनाई जाएगी, आत्मा का दीपक सदैव ही जलता रहेगा, कभी बुझेगा ही नहीं। उसकी यादगार में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली मनाते हैं तो पहले पहले दीपक जलता है धर्मराज का, इसका धर्म की धारणा में जो सबसे आगे गया, तो धारणा में कौन सी आत्मा आगे गई है? अरे धारणा करने में सबसे आगे जाने वाली आत्मा का नाम क्या है? हाँ, ब्रह्मा माँ। तो जो आगे गई वो ही धर्मराज का पाठ बजाने वाली आत्मा है।
इसलिए उसका दीपक पहले जलता है। तो यादगार में मनाते हैं, जब दीपावली मनावेंगे, दीपक जलावेंगे, तो सबसे पहले धर्मराज का दीपक जलाएंगे, पुरुष एक दीपक से सात दीपक जलावेंगे। और विकारी को संपन्न नहीं बना सकते अविक्रमी का काम। विकारी को संपन्न नहीं बना सकते, ऐसे तो नहीं बोल सकते बाबा। विकारियों को ही तो निर्विकारी बनाने के लिए आता है, पतितों को ही तो पावन बनाने के लिए बाबा आता है, तो ऐसे कह सकते, कैसे कह सकते कि विकारियों को निर्विकारी नहीं बना सकते? है? विकारियों को क्यों नहीं बना सकते? विकारी पतित को कहा जाता है, पतितों को ही शिव बाबा आकर के पावन बनाता है, नहीं क्यों? मैंने पढ़ा अभी तो नहीं। चलो बाद में देख करके बता देना। छब्बीस छह सेवेंटी सिक्स क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ। ये किसी ने सुना ही नहीं आज तक। जो स्वयं ही लेने वाला है वो देने वाला दाता नहीं बन सकता, जैसे भिखारी भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। अरे शिव बाबा तो एवर प्योर है, जो एवर प्योर है वो संपन्न नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? शिव बाबा कोई भिखारी है क्या? हाँ, प्रश्न आया है, अर्जुन के रथ में भगवान को दिखाते हैं और साथ में शिखंडी को भी दिखाते हैं, तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये शिखंडी और भगवान की शूटिंग कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ करने वाले, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन का रथ है या नहीं है? वो रथ चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य रथ है, तो उस रथ में भगवान कौन प्रवेश होकर के इंद्रियों के घोड़ों को कंट्रोल करता है? वो कौन सा भगवान है? है? उस भगवान का नाम क्या है? उन्होंने तो कृष्ण को दिखाई दिया है कि अर्जुन के रथ में कृष्ण भगवान बैठते हैं घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, परंतु यहाँ कौन से घोड़े हैं? इंद्रियों रूपी घोड़े हैं और बुद्धि की लगाम है, मन बुद्धि की, और कंट्रोल करने वाला है शिव बाबा।
तो दो तो क्लियर हो गए, रथ भी क्लियर हो गया, रथ का मालिक आत्मा भी क्लियर है। एक होता है रथी और एक होता है सारथी। तो रथी कौन है? है अर्जुन है रथी, जो पुरुषार्थ का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अर्जन करता है, ऐसा श्रेष्ठ अर्जन करता है जो गीता में लिखा है नर से नारायण बनता है। तो वो नारायण का रथ है, अर्जुन का रथ है, शरीर रूपी रथ है, इंद्रियों रूपी घोड़े हैं। जो अर्जुन के कंट्रोल में नहीं होते तो कौन कंट्रोल करता है? स्वयं भगवान आकर के उन घोड़ों को कंट्रोल करता है। अब अर्जुन और भगवान के बीच में शिखंडी और दिखाते हैं। क्या नाम दिया? शिखा अंडी। शिखा किसे कहा जाता है? शिखा कहा जाता है चोटी को। और बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे हो चोटी के ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों में ऐसी चोटी कौन सी है जो पहले नंबर में है, जिसको बाबा कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो तुम विकारों की दलदल में पूरे डूब जाते हो, मैं चोटी पकड़ करके खींच लेता हूं। तो शिव बाबा जब आते हैं तो कौन सी आत्मा में पहले पहले प्रवेश करते हैं? प्रजापिता से भी पहले। साथ में कौन होता है? और जगदम्बा। तो जगदम्बा है शिखंडी। क्या? रुद्रमाला का मणका है, स्वभाव संस्कार से पुरुष है। दुनिया में कोई ऐसा पुरुष नहीं है, प्रजापिता भी नहीं है जो उसको पूरा कंट्रोल में कर सके। करता है? है? अच्छा, उसकी बात छोड़ दो। जो आज रुद्रमाला में एडवांस में ज्ञान में चलने वाली माताएं हैं, वो पूरा पूरा अपने पति के कंट्रोल में चलती हैं कि पति बेचारे परेशान रहते हैं? तो जो माता के गुण हैं वो और माताओं में भी देखे जा सकते हैं। वो जगदम्बा वास्तव में जन्म जन्मांतर की स्वभाव संस्कार से पुरुष स्वभाव संस्कार की है। इसलिए महाभारत में एक नाम आया है, आधा समय पुरुष और आधा समय स्त्री बनकर के रहता है, उसका नाम है शिखंडी। वो तो किसका बच्चा है? अरे शिखंडी किसी का बच्चा है या नहीं है? द्रुपद का बच्चा है। ध्रुवम पदम यस्य, जिसका ध्रुव पद है। सभी ब्राह्मण जानते हैं कि ये ध्रुव पद पाने वाला कौन है। कहां का राजा है? है? कहां का? हाँ, कंपिल का राजा, उसका नाम द्रुपद। द्रुपद
ऐसे ही एक नारी है, उसका नाम क्या दिया? द्रौपदी, ध्रुवपदी। वहीं शिखंडी भी पैदा हुआ। तो तुम बच्चे हो चोटी के ब्राह्मण, वो चोटी के ब्राह्मण रुद्रमाला में जब दिखाए जाते हैं तो पहला मणका जितना शिव बाबा के नजदीक है, लास्ट मणका भी शिव बाबा के उतना ही नजदीक है, इसलिए बोला चोटी के ब्राह्मण। जब आखिरी लड़ाई होगी, बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों के साथ, उन प्रकांड विद्वानों के बीच में आमने सामने भगवान बैठ करके उनका सामना नहीं करेगा। जब सूर्य निकलता है तो अंधकार का सामना सूर्य करता है, या बीच में लाल लाल जीभ लपलपाती हुई उषा होती है, है? उषा होती है। तो ये जगदम्बा का पार्ट है, जो शिखंडी के रूप में अज्ञान अंधकार फैलाने वाले जो सर्प हैं, साधु सन्यासी, उन साधु सन्यासियों और भगवान के पार्ट के बीच में पार्ट बजाती है। सामने देखने में उनको शिखंडी आता है और पीछे से उसे शिखंडी को बाण कौन मारता है, मारना सिखाता है, स्वयं भगवान सिखाता है। तो जगत पिता का पार्ट है गुप्त, भगवान उन साधु सन्यासियों का सीधे सामना नहीं करता, किसके द्वारा सामना करता है? उन कन्याओं माताओं के द्वारा सामना करता है। इसलिए बोला ये छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े धर्मगुरुओं को लास्ट में बाण मारेंगी, शास्त्रों के आधार पर समझाएंगी, गीता के आधार पर खंडन करके समझावेंगी कि तुम्हारा ज्ञान झूठा और भगवान का ज्ञान सच्चा। तो ये रूपक दिखाया है भक्ति मार्ग में, जो अभी की यादगार है कि अर्जुन के रथ में भगवान भी विराजमान है और सन्यासियों का मुकाबला करने के लिए शिखंडी भी विराजमान है। सन्यासियों का सामना शिखंडी, वो कन्या करती है, भगवान स्वयं सामना नहीं करता, अर्जुन भी सामना नहीं करता। दुर्योधन, दृष्टद्युम्न, वो भी यज्ञ कुंड से पैदा होता है। पांडवों की सेना का सेनापति गाया जाता है, क्या? जो भी पांडवों की सेना है उसका सेनापति है, बाबा भी कहते हैं। तुम बच्चों की है रूहानी मिलिट्री, अंडरग्राउंड गुप्त वॉरियर्स हो, ये रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर है सेनापति। कहां की पैदाइश है? है? शास्त्रों में दिखाया है पांचाल नगर।
है कलकत्ता आवाज फैलाने में निमित्त बनेगा, ऐसा अव्यक्त वाणी में बोला है। दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। तो ये आवाज हाहाकार की होगी या जय जयकार की होगी? जय जयकार की होगी। राजधानी कहाँ स्थापन होगी? तो जहां राजधानी स्थापन होगी वहां जय जयकार भी होगी और हाहाकार भी होगा। पहले हाहाकार होगी और हाहाकार की आवाज कहां से आवेगी? है महाकाली जब अपना बार करना शुरू करती है तो हाहाकार कहां होता है? महाकाली का आवाज कहां गाया हुआ है? कलकत्ते में गाया हुआ है। सूक्ष्म स्टेज आत्मा का जब सूक्ष्म स्टेज बन जाता है, पुरानी स्टेज सूक्ष्म स्थिति धारण कर, मैंने आत्म स्थिति जब धारण करते हैं तो अपने शरीर भूल जाते हैं। ओके, फरिश्ता अपने को फरिश्ता समझता है, दूसरे को भी फरिश्ते रूप में देखता है। नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। जो फरिश्ता बन जाते हैं वो दूसरों को भी फरिश्ते के रूप में देखेंगे, असलियत के रूप में देखेंगे या सिर्फ फरिश्ते के रूप में ही देखेंगे? फरिश्ता असल में फर्श से रिश्ता न रखने वालों का नाम है। तो जो फर्श से रिश्ता नहीं रखते हैं वो पहचानेंगे कैसे कि इनसे रिश्ता रखना है और इनसे रिश्ता नहीं रखना है? फरिश्तों का रिश्ता देहदारियों से तो होता ही नहीं। बाकी ऐसी बात नहीं कि वो पहचानते नहीं है। देवगन छूट गया ना फरिश्ता का, तो देवगन छूट गया। फरिश्ता उनको कहा जाता है जिनकी मान्यता दूसरे धर्मों में ज्यादा है। भारतवासियों में देवताओं की मान्यता है या फरिश्तों की मान्यता है? देवताओं की मान्यता है। भारतवासी विश्वास करते हैं कि शरीर भी रहे और नष्टो मोआ स्मृति लब्धा भी बने। विदेशी लोग नष्टो मोआ स्मृति लब्धा तो बनेंगे लेकिन सूक्ष्म शरीर की स्मृति खत्म नहीं होगी, उनको सूक्ष्म शरीर का बंधन बना रहेगा। वो सूक्ष्म शरीर का बंधन, उस बंधन का वर्षा वो प्राप्त करते हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा ने भी कैसा शरीर धारण किया है? सूक्ष्म फरिश्ताई स्वरूप धारण किया। उनका आधार लेकर के जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो सब भी धर्मी बन जाते हैं, वो फरिश्ते बन सकते हैं लेकिन देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, फिर फरिश्ता से देवता, फरिश्ता से देवता बनना, ठीक है। शरीर में रहते हुए भी फरिश्ता बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते। तो जो शरीर छोड़ने वाले हैं वो फरिश्ते और जो शरीर के अंदर फरिश्ते बनते हैं उनमें बहुत फर्क है।
कुरान में जो लिखा हुआ है कि खुदा का तख्त 8 फरिश्तों ने उठाया, वो तख्त साकार है या निराकार है? साकार है। साकार तख्त को साकार ही उठावेंगे या जिनका शरीर ही नहीं होगा वो उठावेंगे? हैं तो साकार, लेकिन साकार होते हुए भी उनको देहबान नहीं होता है। और